महुगढ़ा के समीप स्थित तेंदुपत्ता के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना विगत रात लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग एवं डायल 100 मौके पर पहुंच गई थी, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, साथ ही किसी प्रकार की जनहानि की सूचना भी यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। पर रात को 2 ट्रक भरे थे तेंदुपत्ता के, बट ट्रक भरा, लेबरों ने भरा ट्रक, और इसके बाद वो लेबर यहीं सोई। और रात को क्या हुआ कि वो 2 बजे के आसपास इनको आग सी देखी एकदम अंदर गोदाम में। चौकीदार ने मुझको फ़ोन लगाया, हमारा जो चौकीदार है, मैं आया वहीं से, फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किए मैंने, फायर ब्रिगेड वाली आई, कम से कम 3 फायर ब्रिगेड आई थी। तब कितने बजे घटना है जी? रात के लगभग 3 बजे 2:45 बजे। तो कुछ कारण पता लगा इसका? क्या कुछ नहीं लगा? पता यही अंदाज लगा सकते हैं कि लेबर पत्ता भर रही थी गोदाम में से ही, या तो किसी ने गलती से बीड़ी गई का गुल गिर गया, अब धीरे धीरे सुलगती गई जब रात को तेज हुई, जब दिखी इन लोगों। लगभग रात में 5 बजे कितने बजे तक पहुंच गई थी? वो पहुंच गई थी 3:30 बजे। ना जहाँ मैं कमरा में अंदर सो रहा था, 2:30 बजे के लगभग मुझे एक पत्ता भरे भरे जो हमाल है उनने जगाया था, जो गाड़ी वाड़ी सब जमीन पास ला कर, जिनने बोले कि चौकीदार उठो आग लग गई। तो मैंने जो सोची कि नर्सरी में लग गई, तब नर्सरी में देखी तो मुझे गोदाम में लगी मिली। फिर मैंने है ना 16 नंबर को है ना फोन लगाया, फिर 16 नंबर की है ना जो वहाँ से गाड़ी आई पुलिस की, और फिर पानी की गाड़ी आई, मैंने गेट खोल दिया, गेट खोल के नहीं फिर बजाने लग गई।